वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऐसी नाश्ते की रेसिपी बताऊंगी कि आप उसके आगे पिज्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, बॉईल किए हुए आलू हैं, और मैंने यहाँ ठंडे आलूओं का इस्तेमाल किया है। आप इस तरह से कोई भी कद्दूकस लेके और इस तरह से आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। आप कोई भी कद्दूकस ले सकते हैं और इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको आलूओं को कद्दूकस कर लेना है इस तरह से, ताकि जो आलू हैं हमारे इनमें किसी भी तरह से कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने इस तरह से कद्दूकस किया है। तो सारे आलूओं को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम डाल देते हैं थोड़ा सा ये गरम मसाला है। रेसिपी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही इजी तरीके से। और अब इसमें डाल देते हैं हम ये खड़ा जीरा है। आप जीरा पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपको खड़े जीरे का टेस्ट पसंद नहीं है तो। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं ये आमचूर पाउडर। मसाला हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आप सोच लीजिए उसी हिसाब से हमारी जो रेसिपी है वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देते हैं नमक, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पुदीना है, जिसको मैं क्रश करके डाल देती हूँ, ड्राई पुदीना है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, पर इस मसाले के अंदर पुदीने का बहुत ही यमी सा फ्लेवर आता है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सभी आलूओं को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनेगी। जो लोग पेटीज खाने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये रेसिपी एकदम से परफेक्ट है। आप इस तरह से बना सकते हैं पेटीज घर में ही। मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है, आप चाहें तो मैं और दूसरे तरीके से भी बनाना बता सकती हूँ, अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी ये हमारा मसाला रेडी हो गया है, पर अभी एक चीज़ और मिलानी है इसमें, तो वो है ये कॉर्नफ्लावर। मैंने एक चम्मच भर के डाल देना है, और इसको भी हमें आलूओं में अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका जो आलू है उसमें ऑयल ना भरे। आज की डेट में सभी लोग अच्छी चीज़ें खाना भी चाहते हैं, स्ट्रीट फूड खाना चाहते हैं, बट अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रख के ये रेसिपी को शेयर किया है। लोग पेटीज तो खाना चाहते हैं, पर पेटीज में जो उसमें जो फैट रहता है वो नहीं पसंद करते हैं, तो मैंने कम फैट के साथ ये अपनी रेसिपी को बना के शेयर करने की कोशिश की है। तो ये लीजिए, हमारा मसाला भी बातों बातों में रेडी हो गया है। प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी मेरी यूट्यूबर फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसकी एक डो लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा, और इसके बाद उतना ही आटा लेंगे हम मैदा। जितना मैंने गेहूं का आटा लिया है उतना ही हम इसमें डालेंगे मैदा। गेहूं का आटा हमारा छना हुआ था, और मैदे को अब हम छान लेते हैं। आप चाहें तो खाली मैदा से और खाली आटे से ही बना सकते हैं, मतलब अकेले आटे से या फिर अकेले मैदा से बना सकते हैं। ये रेसिपी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना पसंद करेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन,
हथेली पे थोड़ा सा इसको क्रश करते हुए डालेंगे। अजवाइन से क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अजवाइन, इसलिए मैदे से या फिर जो भी फ्राइड चीज़ें बनाएं उसमें मैदा जिसमें डाल सकते हैं उसमें डालना ज़रूरी रहता है। अब 2 से 3 चम्मच भर के इसमें हम ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छे से मोयन को भी हम मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने मोयन इसमें मिक्स किया है, ठीक इसी तरह से आप भी मोयन को मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो तैयार करेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है और एक डो तैयार रेडी कर लेते हैं हम। ये देखिए बातों बातों में हमारा डो भी रेडी हो गया है। डो हमें बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो इसी तरह से हमें मल मल के अपना चिकना सा डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए आपका जो डो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा एकदम से फूल गया है और अच्छे से ये सेट भी हो गया है। थोड़ा सा और मल देती हूँ मैं और उसके बाद हम इसके पेड़ा बना लेते हैं इस तरह से, जैसे हम रोटियां बनाते हैं वैसे ही हम इसका पेड़ा बनाएंगे और थोड़ी सी आटे की डस्टिंग करेंगे और जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही एक इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे हम। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। बस आप बनाना स्टार्ट तो करिए लेकिन वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और ये लीजिए हमारी जो रोटी है वो रेडी हो चुकी है और अब हम इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेते हैं। इसको आजू बाजू का जो हिस्सा है वो हम कट करके निकाल देंगे और ये देखिए एकदम से चौखुंटा जो हमें चाहिए वो हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमने इसमें जो मसाला बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इस रेसिपी के आगे आप पेटीज खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि क्यों 20 से 25 मिनट के रुपए की एक पेटीज आती है, क्यों खाना, ये हम घर में ही बना लेते हैं। मैंने तो काफ़ी दिनों से खाई नहीं है, मेरा तो जब भी खाने का मन होता तो मैं इसी तरह से घर में बना लेती हूँ और इसलिए मुझे, मैं जब खाती थी तो 20 से 25 रुपए की ही आती थी। अभी इस वक्त तो मुझे पता भी नहीं है कि वो कितने रुपए की आती है। तो इस तरह से हम इसको 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो इस पे मैंने ये रख दिया है मोज़रेला चीज़। आप सोच पा रहे हैं कि पेटीज हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी, ऐसी तो बाज़ार में मिलती भी नहीं है। और मैंने इसको हेल्दी तरीके से भी बनाया है, इस तरह से बाज़ार में नहीं मिलती है। ज़रा सा वो फिलिंग लगाते हैं और बस सॉस के साथ दे देते हैं, लीजिए आप खाइए। और इस तरह से आप घर में ट्राई करिएगा, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से हम अपनी जो फिलिंग है वो रख देते हैं इसके ऊपर और उसके बाद हम इस तरह से हल्के हाथों से इसको दबा देते हैं। दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये चीज़ मेल्ट होगा ना तो पेटीज हमारी खुलेगी और खुलेगी तो इस तरह से मैंने जो आलू फैलाया है इसके ऊपर ये तेल सोखेगा, इसलिए मैंने इसमें पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। आप मैंने जो कॉर्नफ्लोर डाला है इसीलिए डाला है। वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको पेटीज को दबा देते हैं। आप पेटीज भी कह सकते हैं इसको, नाश्ता भी कह सकते हैं। अगर आप एक बार इसको बच्चों को बना के देंगे ना तो बच्चे सच में यही कहेंगे, वाओ मम्मा बहुत टेस्टी बना है। आप इसको पर डे बनाइए और बच्चों को अगर लंच में दे दिया ना तो लंच में कुछ भी नहीं बचने वाला, पूरा फिनिश करके आएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने दूसरा फोल्डर भी तैयार कर लिया है, हल्के हाथों से इसको दबाते हुए बनाना है। तो ये लीजिए हमने जो अपनी पेटीज है वो रेडी कर ली है, अपना नाश्ता रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है,
हल्का ही गरम रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और इसको हमें लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है ताकि ये एकदम से क्रिस्पी हो जाए। और बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं डालना है, कम ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर तक ऑयल नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो मैंने लेयर बनी है जो आलू के साथ, वो ये खुलेगी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी से जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होगा वैसे ही ये खुलेगी। तो आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल तो बिल्कुल नहीं भरने वाला। तो इस तरह से हल्का सा ये जब ये फ्राई हो जाए, हल्की सी ये टाइट हो जाए, तब हम इसको उलट पुलट करेंगे। तो अब हम इसको पलट देते हैं, नीचे से ये थोड़ी सी टाइट हो गई है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है और उलट पुलट करते हुए इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके हमारा रेडी होगा। तो ये लीजिए आपकी ये हेल्दी तरीके से बनी हुई और बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये जो पेटीज है वो बनके रेडी हो गई है। इसके अगर आपने ये बना लिया तो बच्चे पिज्जा बर्गर सब कुछ खाना भूल जाएंगे और आपके हाथों का ही खाना खाना पसंद करेंगे। और घर का बना खाना तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है, तो आप इसको सॉस के साथ दे सकते हैं या फिर आप बिना सॉस के ही खा सकते हैं। आप जैसे खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हमारी पेटीज नाश्ता तैयार हो गया है और बहुत ही इजी तरीके से बन के रेडी हो गया है। कलर एकदम गोल्डन आया है। तो ट्राई ज़रूर करिए, मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।